खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि जब हमने सर ने और हमने ये फिल्म शुरू की थी तो हम हमेशा लोगों को कहते थे कि देखना ये फिल्म, जैसे इसका ट्रेलर लॉन्च होगा सबको बहुत पसंद आएगा। हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाते थे और वैसे वैसे हमारी टीम बनती गई, जुड़ती गई। तो आज एक्चुअली जब वो बात सच हो रही है, मुझे इतने मतलब, मैं कल ट्रेलर लॉन्च हुआ और मैंने अपना फ़ोन जब हाथ में लिया तो मेरे फ़ोन में कम से कम कुछ 1000-1500 के आसपास कुछ मैसेजेस थे, और मैं पूरी रात मुझे लगा सबको थैंक यू बोलने में। और मैंने अभी तक अपने सोशल मीडिया के DMs और वो तो सभी चेक ही नहीं कर पाई हुई, मेरे पास इतना समय नहीं रहा। तो अभी एक्चुअली मैं और सर उसी बात में बहुत बिजी है कि हम जो चीज़ पे बिलीव करके चल रहे थे वो आज जाके सच हो रही है। हमारा कॉन्फिडेंस अब हमें दर्शकों की आंखों में दिख रहा है और उनका इतना प्यार मिल रहा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही लगातार इस फिल्म को प्यार देते रहिए। रिलीज तक इस फिल्म को उतना आप लोग प्यार दीजिए कि रिलीज के बाद हर एक इंसान के मुँह पर मोदी जी की बेटी फिल्म का नाम हो। एडिसन, आपको भी बहुत बधाई। पहली बार मतलब काफी दिनों बाद हमने देखा है कि भाई कश्मीर में जहाँ गोली चलती है, गोलियां भारे, वहां हम हंस रहे हैं चीजें देख करके, वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच का ये कहीं ना कहीं पूरा मसला है। तो कैसे आपके जहन में ये चीजें आई हैं और क्या कुछ करके आपने शुरुआत की? ठीक है, कॉन्सेप्ट जो था उसके अंदर उस रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड था, तो उसके बाद उसको एक फिक्शनाइज करके उसके अंदर कैसे हमारा टाइटल जो है आगे बढ़ाएं, तो ये एक थॉट था। वो अवनी के साथ बैठ के एक कॉन्सेप्ट जो था, अवनी ने एक दिन स्टोरी का सब्जेक्ट उसे क्योंकि लिखी भी इन्होंने, तो कहानी इनकी थी, इनके साथ आप बीती थी वो। अब वो कहानी को आगे लेने के लिए एक दिन उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, कहते लिखवाओ चिट। मैंने कहा मैं नहीं लिखवाऊंगा, तुम ही लिखोगी ये। और इन्होंने लिखा और बहुत अच्छे से लिखा। और रही बात कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हमने कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व करना है, तो वो एक स्टोरी का एक बेसिक हिस्सा है उसके अंदर। वो अपने आप वो कॉमेडी जो है हम लोग बनाते रहे, करते रहे, क्योंकि ऐसे कुछ हादसे हुए हैं जो लोगों ने विटनेस किए हैं और उनको हमेशा नेगेटिवली लिया है, तो हमने उसको सब पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश हैं। सब वही किस्से जो आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वे में सारे किस्सों को दिया गया और एक खुशी के माहौल में दिया गया। 2014 में हम जो है बिना पासपोर्ट बिना वीजा के पाकिस्तान गए थे, इस बार आप लेकर जा रहे हैं, क्या पूरे देश को, पूरी ऑडियंस को हम बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के लेके जा रहे हैं पाकिस्तान में, और सिर्फ जा नहीं रहे हैं, वहाँ जाके उनके देश में जाके उनको ये सबक सिखा के मैसेज दे के आ रहे हैं, डोंट यू डेयर विद एनी इंडियन, मैस विद एनी इंडियंस। ये आज का भारत है, आज का हिंदुस्तान है, ये आज की बेटी है, आज की बेटी यानी कि मोदी जी की बेटी है, तो कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान को जो है पूरे वर्ल्ड में विदाउट वीजा घुमा के ले आऊं। लेकिन वाकई में अवनी जी, गदर फिल्म की तो याद आती है, पाकिस्तान में सनी देओल जी ने जाकर जो वहां पर सब किया था, कहीं ना कहीं आपका ट्रेलर देख के हम आपको अगर लेडी सनी देओल कहें तो क्या गलत होगा? नहीं, ये मतलब आपका बड़प्पन है कि मैंने तो ये पहली फिल्म बनाई है हम लोगों ने, और आप मुझे पहली फिल्म से अगर लेडी सनी देओल, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा लोडेड हो गया, मतलब मोदी जी की बेटी से भी ज़्यादा भारी ये तो शब्द हो गया। तो खुशी हो रही है कि इतनी अच्छे आप लोगों के रिव्यूज़ हैं, इतने अच्छे आप लोगों के फीडबैक है, और फिल्म जब पूरी आप देखेंगे तो उसके बाद के जो रिव्यू होगा, मुझे ये सोच के अब उसके बाद आप किसके साथ मुझे कंपेयर करेंगे, मैं ये सोच रही हूँ। अनिल जी, ट्रेलर लॉन्च हुआ है, काफी कॉमेडी को देखकर दर्शक इसका कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इसके गाने अगर की बात की जाए, इसके गीत संगीत के बारे में, उसके बारे में जरा दर्शकों को। सर, फिल्म के अंदर तीन गाने हैं और तीनों ही अलग अलग मूड और सिचुएशन के ऊपर है। पहले तो सबसे पहले हमारा टाइटल ट्रैक, जिसकी कुछ झलक आपको ट्रेलर के अंदर भी दिखी है, तो वो मोदी जी की बेटी टाइटल सॉन्ग है हमारा। उसके बाद जो इंसिडेंट हम बयां कर रहे थे कि जहां से ये कंट्रोवर्सी हुई थी साउथ इंडियन फिल्म के, तो एक साउथ इंडियन फिल्म का एक गाना है कि जिसके शूटिंग के दौरान ये हादसा होता है,
तो एक साउथ इंडियन फ्लेवर वाला एक सॉन्ग है और एक सॉन्ग है जो कि हमारे पूरे पूरे भारत पाकिस्तान की दोनों की जनताओं का जो एक दिल से एक आवाज़ है कि एक्चुअल जो लेमैन है वहाँ पे, यहाँ पे जो आम नागरिक है वो क्या चाहते हैं, तो उनके इमोशन को बयां करता हुआ एक सूफी गाना है फिल्म के अंदर। तो तीन अलग अलग किस्म के गाने हैं जो बहुत ही जल्द आप लोगों तक पहुँचेंगे एक एक करके, और आपको बड़ा पसंद आएगा, ये बात की गारंटी। तो हमने गानों में भी अपनी तरफ से एक ध्यान रखा कि गानों में भी एक फ्रेशनेस देने की कोशिश की है, और गानों भी हमने तीन फ्लेवर जो दिए हैं उसमें ये है कि एक गाना में आपको रैप मिल रहा है, एक में आपको टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल, मॉलीवुड स्टाइल डांस और मसाला, और एक गाना टोटल सूफियाना। तो और तीनों बहुत प्यारे गाने लगेंगे क्योंकि वो हर एक के साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे। यूथ को पसंद आएगा आपका रैप और सारे पसंद आएंगे, और वैसे तो हाँ पसंद सबको, क्योंकि सूफी गाने के साथ एक अलग से आपको मिलेगा मजा, इमोशनल सिचुएशंस अलग है, बाकी सारे गाने जो है वो अपने आप में बहुत ही वेल जस्टिफाइड है। हमारी कोशिश थी कि हम सबका फ्लेवर, सबकी पसंद रखें अपने म्यूजिक में भी, गानों में भी। एडी सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये फिल्म के रिलीज के बाद क्या रिश्तों में कुछ क्या बदलाव आया, कुछ आपको लगता है? ये फिल्म जो बदलाव ला सकती है वो अगर ले आएगी तो हमें सबसे अच्छी खुशी रहेगी। फिर हमने प्रेम का मैसेज देने की कोशिश की है, वो प्रेम अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। मतलब बेसिकली जो मैसेज जो हमने इस फिल्म के अंदर देना चाहा है वो यही है कि अगर दोस्ती की बात कर रहे हैं, अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है तो हिंदुस्तान से, भारत से कैसी दोस्ती करनी है वो हम बता रहे हैं इस फिल्म के अंदर। दोस्ती के सही मायने, सही मतलब आपको समझना पड़ेगा। हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत होती है और उसका जवाब हम भारत के लोग देते हैं, हमारी आर्मी देती है, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब होता है कि वो थोड़े साल तक चुप हो जाते हैं, फिर वापस पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। तो ये अब इस बार वो जवाब दिया है जो उनको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा कि ये आज का भारत है, ये हमारा नया इंडिया है, न्यू इंडिया है, और यहाँ अब आपको दोस्ती करनी है तो वो दोस्ती करनी पड़ेगी जो भारत चाहता है आपके साथ। पर पाकिस्तान के कॉमन आदमी को भी अब समझना पड़ेगा कि क्या है हिंदुस्तान, तो वो समझाने की कोशिश की गई है इसमें। और जी, लोगों का सवाल ऐसा है जहन में कि मोदी जी की बेटी, तो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं जुड़ा है, इसको लेकर चर्चा है, इसके बारे में जरा दर्शकों देखो ऐसे ही एक बार आप लोगों में से किसी लोगों ने ऐसे मेरे साथ ये सवाल किया था और उसके जवाब का नतीजा ये है कि आज ये फिल्म है, ठीक है ना। तो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट यस, मैं हमेशा ये बात कहती आई हूँ कि मोदी जी की बेटी, ये जो फिल्म का टाइटल है, इट्स अ सिंबॉलिक टाइटल। ये फिल्म देश की हर बेटी की आवाज़ है, तो भारत की हर बेटी जो निडर है, जो साहसिक है, जो सही सच्चाई का साथ देने की हिम्मत रखती है, और जो हर एक बुराई से अपने बल पे लड़ने की ताकत रखती है, वो हर लड़की का जज्बा जो है वो उसको मोदी जी की बेटी बनाता है। तो दैट्स व्हाई फिल्म का टाइटल है मोदी जी की बेटी। और मैं एक बार फिर से इस फिल्म के अंदर जो कहा है वो दोहराना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी कहा था कि देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी है। फिल्म बनाना एक बड़ा रिस्क का काम होता है और कोई ये जानता है, आपने डबल रिस्क लिया है, एक तो फिल्म बनाई है, दूसरा आपने पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश की है पाकिस्तान की, तो कितना आपको डर लग रहा है कि लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, या क्या आपके माइंड में चल रहा था? डर लग रहा होता तो हम ये फिल्म ही ना बनाते तो डर का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक अच्छी फिल्म बनानी थी, बना दी, आपको पसंद आती है वो फिल्म, और खुशी मिलेगी, हमारे साथ आप बांटेंगे, और शायद बहुत सारे दर्शकों को ये समझ में आएगा कि अच्छा सिनेमा क्या है। कोशिश यही है कि एक अच्छा सिनेमा जो हम लोग भूल चुके हैं वो इस फिल्म से जागृत वापस हो जाए। यू नो, वी वांट टू अवेकन द क्वालिटी ऑफ सिनेमा, द गुड सिनेमा, एंड कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर क्या दे सकता है वो इस उसकी ताकत दिखानी। और वन मोर थिंग मैं आपको, यस, कि जब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने आया, आपका रिएक्शन क्या था? करेक्ट, तो मैं उसको कंक्लूड करती हूँ मेरे ये जवाब में कि ये फिल्म जो है ना वो भारत पाकिस्तान की फिल्म है। पहले तो ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी पूरे पाकिस्तान पे कैसे भारी पड़ती है ये कहानी है, ये फिल्म है, और ये बहुत बड़ा प्रहार है फिल्म के अंदर आतंकवाद के ऊपर।
जो धर्म की आड़ में, इस्लाम की आड़ में जो जिहाद के कॉन्सेप्ट को मिसलीड करके आतंकवाद को पाल रहे हैं, ये उन लोगों पे पंच है, उन लोगों पे सटायर है। और इसके अंदर वही मैसेज है कि एक जो आम कॉमन मैन है वहाँ का यहाँ का, उसको क्या चाहिए, उसकी आवाज़ है ये फिल्में। और इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। तो यहाँ एक लड़की जाती है, पूरे पाकिस्तान को जवाब दे के आती है कि दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट देन वी कैन बी फ्रेंड्स, अदरवाइज नो। अच्छा, मोदी जैसा कि नाम है, तो क्या ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई जाएगी? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारा साथ दे इस मिशन को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल, आप ये सवाल इतनी बार हमारे सामने आ चुका है, क्यों नहीं दिखाने दे? एक फिल्म बनी है, एक सिनेमा है, तो वो किसके लिए? हर एक के लिए, जो देखना चाहे जरूर देखे। हाँ, प्रधानमंत्री जी खुद इस फिल्म को देखें, हमारी इससे बड़ी क्या खुशी। और एक बात मैं आपको बताऊँ, ये कहीं ना कहीं उनके एक जो इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन जो हम सबको मिलती है उसी का नतीजा है ये फिल्म। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ बीन ऑलवेज अ गुड इंस्पिरेशन फॉर दिस फिल्म, फॉर अस, ऑल ऑफ अस इन आवर लाइफ। तो हम इस बात को बहुत ही दिल से कहते हैं कि हम तो उनको ये समर्पित कर रहे हैं फिल्म, और हम चाहते हैं कि हमारी इस छोटी सी फिल्म को, छोटी सी कोशिश को हम उन तक पहुँचा सकें। किस तरह की स्क्रीन काउंट का आप एक्सपेक्ट करें, कितना स्क्रीन काउंट होनी चाहिए, या एक ग्रॉस इंडिया की सेल्स को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, अगर कुछ अगर बता सके? देखिए, जहाँ तक स्क्रीन काउंट का होता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर के प्लानिंग के ऊपर होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर प्लान करता है। तो वो जाहिर बात है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस वक्त यहाँ नहीं है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो ये जवाब हम आपको उनसे दिलवाते हैं। और दूसरी चीज जो होती है आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो होती है हमारे जनता, हमारी पब्लिक के ऊपर। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये जनता जो है वो इस फिल्म को अपने आप बढ़ावा दे, ताकि ये अपने आप एक्सपेंड करे और अपने आप इसके जो काउंट्स हैं वो बढ़े। सो वी आर ऑलवेज यू नो वेलकमिंग दिस, एंड हमारी यही प्रार्थना है पब्लिक से कि एक बार जरूर जाइए, फिल्म देखिए, आपको नयापन देखने को मिलेगा, आपको पसंद आए तो हमको अपना प्यार आज भी और आगे भी देते रहिए।